मिल केक खाना किसको पसंद नहीं होता है, लेकिन जब भी हम इसे घर पे बनाने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती है। मिल केक कभी तो जमता ही नहीं है या कभी बिल्कुल रबड़ी के जैसा बन जाता है, या इसमें बहुत सारा जैसे चीनी का रस होता है वो निकल के आता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मिल केक बनाने की एकदम आसान रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है, इसमें हम डालेंगे 2 लीटर के जितना दूध। हमें मिल्क केक बनाने के लिए फुल फैट वाला दूध लेना है, तो यहाँ पर मेरे पास ये उबला हुआ दूध था, इसके ऊपर आपको मलाई भी नज़र आ रही है, तो वो मैंने इस कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। तो जब तक हमारा दूध गर्म होता है, हम यहाँ पर थोड़ा सा सामान देख लेते हैं। हमें इसमें हल्का सा दाना बनाने के लिए सैट्रिक एसिड की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर सैट्रिक एसिड ले लिया है। थोड़ा सा पानी ले लिया है इसको घोलने के लिए, 50 ग्राम चीनी और थोड़े से केसर के धागे भिगो के रख दिए हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप दूध देखिए, ये जो आप मलाई देख रहे हैं, तो ये 2 लीटर दूध के ऊपर जितनी मलाई होती है मैंने यहाँ पर सारी ही डाल दी है। जब भी आप मिल्क केक बनाने के लिए जाए तो कभी भी मलाई उतार के दूध ना लें, या फिर जो टोंड वाला दूध होता है वो ना लें, यानी कि दूध जो सा भी आपको लेना है उसमें अच्छा खासा फैट होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई करते हुए बस इसको हमें बाहर नहीं निकलने देना है, फ्लेम आपको इतना रखना है और इसको जो है कंटिन्यू चलाते रहना है। दूध को आपको कुछ इस तरीके से चलाना है, न तो दूध आपका साइडों में लगे और न ही नीचे तली में लगे। यहाँ पर देखिए, दूध जो है 3/4 रह चुका है। अब हमें इसमें कुछ सामान डालना है, इससे पहले दूध हमारा बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए। दूध को देखिए, मैं यहाँ पर लगातार चलाती रही हूँ, दूध साइडों में ना लगे इसलिए मैंने यहाँ पर ये नॉनस्टिक पैन लिया हुआ है, क्योंकि जो लोहे वगैरह की कढ़ाई होती है उसमें बहुत स्पीड से दूध वगैरह लगता है। अब जो हमने यहाँ पर ये सैट्रिक एसिड घोल के रखा था पानी में, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके ये पानी इसमें डालना है। एकदम से ये सैट्रिक एसिड वाला सारा पानी यहाँ पे नहीं डालना है, बस 1 चम्मच के जितना पहले डालना है, फिर 1 चम्मच के जितना डालना है, या जितने मतलब बैचेस में हो सके आपको कम करके ही पानी यहाँ पर डालना है। तो 3-4 बैचेस में करके आपको ये पानी यहाँ पर डाल देना है। उससे क्या होगा, जो दूध है इसमें बहुत ही बारीक बारीक जो है दाना बनेगा। यहाँ पर देखिए, जो केसर है ना, केसर भी हमारा अच्छे से घुल चुका है। केसर डालने से एक तो हमारे केक में अच्छा कलर आएगा, फ्लेवर आएगा, और जो इसकी रंगत होती है ना वो बिल्कुल निखार के आती है, उसको भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब हम करेंगे गैस के फ्लेम को हाई और इसको हमें अच्छा ठीक होने तक पकाना है। तो ये देखिए, यहाँ पर जो है बिल्कुल बारीक बारीक दाने बनकर तैयार हो चुके हैं। कितनी बार क्या होता है, हमें दूध के अंदर कोई भी सैट्रिक एसिड या कोई भी नींबू का रस वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत बार बहुत सी दूध में अपने आप में ही एक दाना बन जाता है। तो जब हमारा दूध लगभग में 50% रह जाए, उसके बाद हमें यहाँ पर ये 50 ग्राम की जितनी चीनी डाल देनी है। चीनी की जो क्वांटिटी है आप थोड़ी सी अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो दूध है वो बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, एकदम मावे वाले टेक्सचर में आ चुका है। लगभग इस मिल्क केक को बनाने में मुझे 20 मिनट लगी है। तो अभी भी हमारा मिल्क केक बनके तैयार नहीं हुआ है, इसको चलाते रहेंगे और साइड में हम एक बर्तन को तैयार कर लेते हैं केक जमाने के लिए। आप जिस टाइप का भी केक बनाना चाहते हैं उसी शेप का बर्तन ले लें। एक बटर पेपर ले लिया है, इसको घी से हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। और यहाँ पर देखिए, जो हमारा मिल्क केक है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तैयार कैसे हुआ है, जैसे चीनी का रस्सा होता है वो निकलता रहता है, वो हमें बिल्कुल नहीं निकालना है, इसको एकदम हमें थिक कर लेना है और इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना है। चलिए, इसको अब हम ट्रांसफ़र कर देते हैं ग्रीस किए हुए बर्तन में। तो ये देखिए, टेक्स्चर इसका कितना बढ़िया है और एक एक दाना निखर के आया हुआ है। अब हम इसको हल्का सा कर देते हैं ऊपर से एवन। तो इस केक को जमाने के लिए आपको कोई भी झंझट नहीं करना पड़ेगा, कोई भी इसको कपड़े के अंदर नहीं रखना पड़ेगा, बहुत ही आसानी से ये सेट हो जाएगा। अब हम इसको छोड़ेंगे कम से कम 10 से 12 घंटे के लिए। तो ये लीजिए, 10 से 12 घंटे के बाद जो हमारा ये केक है बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। हल्की सी इसकी साइडों को छुटा लेते हैं और फिर हम इसको डिमोल्ट कर लेते हैं। ये देखिए, तो हल्का सा ही मैंने इसको प्रेस किया और ये लीजिए, हमारा केक निकल कर हो गया है तैयार। ये देखिए, बटर पेपर हटा देते हैं और ये देखिए, इसका एक एक दाना निखर के आया हुआ है। तो आई होप दोस्तों, आज की ये छोटी सी रेसिपी आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो इस रेसिपी को लाइक कमेंट शेयर करना। यदि आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करना। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। चलिए, मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।